ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो डायबिटीज़ मेलाइटिस हम डिस्कस कर रहे थे और अभी हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस की क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, क्या ट्रीटमेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये बात आप सबको पता है कि जो लोग जो बहुत ज़्यादा यूरिन करते हैं, बहुत पानी पीते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत छोटा पेशाब आता है, बहुत प्यास लगती है, तो हम घर में भी आम भी कोई कंप्लेन करे तो हम कहते हैं अपनी शुगर चेक कराएं। तो इनका जो सबसे मेन मसला होता है वो पोली यूरिया होता है। अब पोली यूरिया इस वजह से होता है कि जब प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है तो ये ग्लूकोज ज़ाहिर है पास करती है रीनल आर्टेरियोल में से और कहाँ चली जाती है, आपकी जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ। ठीक है, जब रीनल ट्यूब्यूल्स हैं तो वहाँ ये एक्ट करती है एज एन ऑस्मोटिक सब्सटेंस। ठीक है, और ग्लूकोज के पीछे जो है वो ज़ाहिर है क्या भी आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा वाटर, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डायूरेसिस होती है। ठीक है, जो पोली यूरिया इनको क्यों हो रहा होता है, ड्यू टू ग्लूकोज रिटेंशन इन द रीनल ट्यूब्यूल। और ग्लूकोज जब वहाँ पर रिटेंट होता है तो जैसे हम कहते हैं सोडियम अपने पीछे पानी को खींचता है, ग्लूकोज भी अपने पीछे पानी को खींचता है। सो जब ये अपने पीछे वाटर को कर जाता है तो क्या होती है, एक्सेसिव डायूरेसिस, इनका यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा है। जब इनका यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है तो बॉडी में जाहिर है डिहाइड्रेशन है, और डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म की वजह से फिर इनका थ्रस्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है तो क्या भी होता है, पॉलीडिस्पिया भी होता है। सो इसी तरह इनको फिर बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है। ओवरऑल हम देखेंगे तो इनके अंदर जो है वो वेट लॉस शुरू हो जाता है। वेट लॉस इसलिए शुरू हो जाता है कि ये कुछ ना कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहे होते हैं ज़्यादातर मोस्टली, कि जैसे क्या होगा ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है तो एनर्जी के लिए फिर क्या हो रहा होता है, या वैसे भी इनका ग्लाइकोजन बहुत टूट रहा है, लिपिड टूट रहे होते हैं, प्रोटीन टूट रहे होते हैं टू मेट द मेटाबॉलिक एंड एनर्जिक नीड्स ऑफ द बॉडी, और ग्लूकोज ज़्यादातर यूज़ नहीं हो रहा होता। यानी अगर ड्रग्स ना भी लें तो चूंकि इनका ग्लूकोज सेल के अंदर जाता ही नहीं है तो एनर्जी कहाँ से आए। सो एनर्जी वहाँ से आती है कि लिपिड टूटना शुरू हो जाता है, प्रोटीन टूटना शुरू हो जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस शुरू हो जाती है, तो ओवरऑल पेशेंट का क्या भी होता है, वेट लॉस भी होता है। उसके बाद आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जो लेंस है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, और उसकी स्वेलिंग की वजह से जो विजन है वो इनकी क्या हो जाती है, ब्लर्ड। वैसे भी आपने डायबिटीज़ के साथ तीन जो है वो याद रखनी होती हैं, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी। ठीक है, सो आँखों में भी इफेक्ट आता है, किडनी के ऊपर भी इफेक्ट आता है, और पेरीफ्री में हमें जो पेशेंट है उसकी कंप्लेन भी होती है, मेरे हाथ पाँव सुन होते हैं, ऐसे चलता है, जिसम पे कीड़े चल रहे हैं, तो ये तीनों कंप्लेन भी होती हैं। ठीक है, सो ब्लर विजन के साथ जो फोर्थ फिफ्थ बात आपने याद रखनी है वो क्या हो सकता है, नमनेंस और टिंगलिंग हो सकती है फिंगर्स वगैरह की। ठीक है, सो क्या हो सकता है, नमनेंस एंड टिंगलिंग हो सकती है हाथों पाँव की। तो पोली यूरिया, पॉलीडिस्पिया, वेट लॉस, ब्लर विजन एंड नमनेंस वगैरह हो सकती है। एक थोड़ा सा जो डिफ्रेंसिएशन हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं डायबिटीज़ टाइप वन की और डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप टू की, उसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो टाइप वन होता है ना, एक तो इसके सडन से सिम्टम्स आते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी ऐसे तो नहीं है ना कि कम है कम है और बॉडी गुजारा करिए या रेजिस्टेंस है अभी तो बॉडी गुजारा करिए, ऐसे नहीं होता, वो तो यहाँ होता है। तो यहाँ पे तो चूंकि इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं होता तो तकरीबन दिनों से हफ्तों में एकदम सिम्टम्स आ जाते हैं, और इसके सिम्टम्स ज़्यादा स्वेयर हो जाते हैं आफ्टर इलनेस। ठीक है, और इवन आफ्टर इलनेस या इन्फेक्शन या बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेस रहे तो इनके अंदर एक फिनोमना स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं DKA, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसको आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ सुन लें कि DKA होता क्यों है। अब अगर कोई भी पेशेंट को बहुत सवेयर रिकरंट इन्फेक्शन हो रहा है या कोई भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस है जिससे मेटाबॉलिक नीड बढ़ गई है, तो फिर क्या होगा कि एनर्जी कहाँ से आएगी। ठीक है, एनर्जी तो नहीं आ रही होती, सवेयर इंसुलिन डिफिशेंसी अगर, तो बॉडी जो है वो ग्लूकोज को तो बिल्कुल यूज़ नहीं करती और एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब जब ये एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो एनर्जी कहाँ से हासिल की जाती है, लाइपोलाइसिस शुरू हो जाती है बॉडी में, लिपिड टूटता है, उसमें से आगे फैटी एसिड आएगा और वहाँ से एनर्जी, और नंबर टू जो है वो प्रोटीन जो है वो प्रोटियोलाइसिस शुरू हो जाती है। अब जब लिपिड एंड प्रोटीन टूटते हैं एनर्जी तो मिल रही होती है, लेकिन जाहिर है बहुत ज़्यादा कीटोन्स जनरेट हो रहे होते हैं, और जब मेटाबॉलिक नीड से ज़्यादा कीटोन हो जाएँ तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, कीटोसिस कहते हैं। चूँकि ये एसिड है तो बॉडी में क्या डेवलप हो जाता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, अब इसके अंदर जो बाकी डिटेल आती हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, फिर कंपनसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस शुरू हो जाती है, वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। जब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस शुरू होती है तो इसका एक इंपॉर्टेंट साइन होता है कॉस्मॉल ब्रीदिंग, हाइपर वेंटिलेट या डीप ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, सो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इंसुलिन टाइप वन के पेशेंट में आम सिम्टम से ये भी हो सकता है कि आफ्टर सडन इलनेस इनके जो सिम्टम हैं वो बहुत डिटोरिएट हो जाए और पेशेंट हमारे पास DKA के साथ आ जाए। ठीक है, DKA के क्या साइन सिम्टम्स हैं ये आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ते हैं। उसके बाद वो कहता है कि टाइप टू के अंदर DKA तो नहीं होता, क्योंकि टाइप टू के अंदर कहीं ना कहीं इंसुलिन तो होता है, सो इंसुलिन से कोई थोड़ा बहुत ग्लूकोज तो यूज़ हो रहा होता है,
इसलिए मोस्टली लाइपोलिसिस एंड प्रोटीलाइसिस तो यहाँ पर नहीं होती, लेकिन ये होता है कि जब बॉडी के अंदर कोई सवेयर इलनेस या स्ट्रेस हो गया ना, तो इस स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन वगैरह रिलीज होते हैं, और कॉर्टिसोल आपको पता है ग्लूकोज को बचाता है, रिटेंट करता है, सो ग्लूकोज रिटेंशन होती है, तो इनके अंदर क्या हो जाता है, हाइपर ग्लाइसीमिया शुरू हो जाता है. सो इनके अंदर हाइपर ग्लाइसीमिया नॉन किटोटिक कोमा हो सकता है, और इसको हम हॉन्क भी कहते हैं, ठीक है. सो काउंटर रेगुलेशन की वजह से हाइपर ग्लाइसीमिया होता है, नॉन कीटोटिक कोमा, सो इसको कहते हैं HONK, ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिक ऑस्मोटिक नॉन कीटोटिक कोमा, ठीक है. सो हॉन्क जो है वो बेसिकली एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज टाइप 2 की, और टाइप 1 की क्या है, DKA है. दोनों का अंडरलिंग मैकेनिज्म कोई सीवियर इलनेस, बॉडी पे सीवियर स्ट्रेस हो सकता है. इसमें काउंटर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, मोस्टली कॉर्टिसोल, और इसमें आपने याद रखना है लाइपोलिसिस एंड प्रोटीलाइसिस हो रही होती है, ठीक है. अब लास्ट चीज आ जाती है बेटे कि हम लोगों ने इनकी मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए बेटे. तीन तरीके से हमारे पास मैनेजमेंट की मतलब चीज़ें हैं. नंबर वन हम क्या करते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में डाइट्री मॉडिफिकेशन आएगी सारी की सारी. नंबर टू, हम लोगों ने जो टाइप 2 का पेशेंट है ना, उसमें स्टार्ट लेना होता है मेडिकल मैनेजमेंट से, क्योंकि इंसुलिन तो है ना, या इंसुलिन थोड़ी कम है, या इंसुलिन के लिए बॉडी सेंसिटिव नहीं है, तो हम मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग्स के थ्रू क्या करते हैं, टाइप 2 के पेशेंट के अंदर उसकी सिक्रीशन और उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं. और नहीं तो फिर आखिरी चीज़ हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे भी ड्रग्स की वजह से भी बीटा सेल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि बीटा सेल बिल्कुल इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, तो यहाँ पे भी बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है, ठीक है. लेकिन अगर टाइप 1 की बात करें तो वहाँ तो इंसुलिन है ही नहीं, तो बीटा सेल को स्टिमुलेट करके क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्यों तो डिस्ट्रॉयड है. तो फिर मेडिकल मैनेजमेंट इनका पार्ट नहीं है. इनमें हम कंजर्वेटिव के साथ क्या करते हैं, इंसुलिन शुरू से ही, लेकिन यहाँ कंजर्वेटिव के साथ पहले मेडिसिन देते हैं, तकरीबन 8 से 10 साल तक वो ड्रग्स के ऊपर भी कंट्रोल होती है. लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि ड्रग बार बार बीटा सेल को स्टिमुलेट करिए, तो बीटा सेल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं, फिर इनको भी अल्टीमेटली इंसुलिन पर ही शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है. अब अगर मैं इसकी जो कंजर्वेटिव या फिर आपकी जो डाइटरी मॉडिफिकेशन है उसको इतना ज़्यादा मैं वो नहीं करी, लेकिन आप लोग इसको देख लेना. डाइटरी मॉडिफिकेशन में हम लोग उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस बता देते हैं. क्या बता देते हैं कि कुछ स्पेसिफिक खाना जो है वो लेना है, जैसे शुगर में कम लेना चाहिए, फैट में कम लेना चाहिए, हाई फाइबर लेना चाहिए, ठीक है. उसके बाद ना फिर उसको ने आपकी बॉडी में बताया हुआ है कि उसको प्रोटीन कितना लेना है, ठीक है. तो एक तो कुछ डाइट जैसे लो इन शुगर जो है वो चीज़ें लेगी, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो चीज़ें ना ले, ठीक है. उसके बाद फिर उसका जो भी प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. वाइटामिन के लिए हम कहते हैं ज़्यादातर जो है वो सप्लीमेंट्स की तो ज़रूरत नहीं है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ऐसे यूज़ करो जिससे वाइटामिन की कमी पूरी हो जाए. सॉल्ट के लिए हम स्पेसिफिकली इनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि हम जितना नमक खाते हैं उतना फिर पानी भी पीते हैं, और फिर उतनी डाइजेस्टर्स. तो हम कहते हैं कि आपने तकरीबन नॉर्मली 6 ग्राम पर डे से भी कम सॉल्ट लेना है, लेकिन अगर हाइपरटेंसिव हो तो फिर 3 ग्राम पर डे से भी कम लेना है, ठीक है. उसके बाद अल्कोहल फॉरबिडन तो नहीं है, लेकिन कहते हैं मॉडरेट कर दें. और वेट रिडक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जिनका BMI जो है वो मोर देन 30 होगा, उनके अंदर डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो 10% से भी ज़्यादा हो जाता है. तो ये आसान सी क्या है, डाइटरी मॉडिफिकेशन हैं जो कि आपने उनको बतानी है. अब बात कर लेते हैं हम डायबिटिक ड्रग्स की. डायबिटिक ड्रग्स हमने फार्मा के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ी हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. ब्रॉडली आप इसको ऐसे डिवाइड कर लें कि हमने 2 ड्रग्स ऐसी देखनी हैं जो कि इंसुलिन की सिक्रीशन को फ्रॉम द बीटा सेल क्या करती हैं, इन्हेंस करती हैं, ठीक है. 3 ड्रग्स हमने ऐसी देखनी हैं जो कि इंसुलिन के लिए पेरीफ्री में सेंसिटिविटी को ज़्यादा करती हैं. 3 ड्रग्स ऐसी हैं जो पेरीफ्री में सेंसिटिविटी को ज़्यादा करेंगी, और 1 ड्रग ऐसी पढ़नी है जो कि गट से आपकी ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को क्या करेगी, मिनिमाइज कर देगी, ठीक है. अब एक बात खुद भी देखें कि जो ड्रग्स इंसुलिन की सिक्रीशन को बहुत ज़्यादा करती हैं ना, जब इंसुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा तो ग्लूकोज बहुत यूटिलाइज होगा, तो इनमें सबसे जो मेजर मसला होता है वो ये कि फ़ौरन पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, और हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन एजेंट मोस्टली दी जाती है वो कौन सी ड्रग है, दैट इज मेटफॉर्मिन, ठीक है. अब मेटफॉर्मिन जो है उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि ये ओनली बायगोनाइड है जो अवेलेबल है. ये क्या करती है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन को डिक्रीज करती है बाय 1.5% तक, ठीक है. अब अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग
सा है। नंबर वन तो ये क्या करती है, पेरीफ्री में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, यानी जो रिसेप्टर हैं उनको स्टिमुलेट करती है। जब वो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो सेलुलर अपटेक ग्लूकोज का बढ़ जाता है, सेलुलर अपटेक बढ़ जाता है और ग्लूकोज जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। पेरीफ्री में ग्लूकोज जो है प्लाज्मा में कम हो जाता है। तो एक तो ये क्या करती है, अच्छा एक तो ये क्या करती है, ग्लूकोज के यूज़ को बढ़ा दिया। नंबर टू ये क्या करती है कि ग्लूकोज की जो सिंथेसिस है ना, आपकी सिंथेसिस ग्लूकोज के कहाँ होती है, लिवर में होती है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये ड्रग क्या करती है, वो कहती है भाई हमसे तो अपना ग्लूकोज नहीं संभाला जा रहा, तो मज़ीद ग्लूकोज ना आए, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनहिबिट करती है कि नया ग्लूकोज अभी ना बने। और तीसरा आपको पता है कि ग्लूकोज कहाँ से आता है, हमारे इंटेस्टाइन से आता है, तो ये इंटेस्टाइन से गट से जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन है उसको भी करती है कि भाई अपना तो नहीं संभाला जा रहा तो मजीद ना आए। तो एक तो एब्जॉर्प्शन को कम करती है, एक तो सिंथेसिस को कम करती है और फिर यूज़ को भी बढ़ाती है, जिससे ग्लूकोज जो है वो बॉडी में यूटिलाइज अच्छे तरीके से हो रहा है। ये तीनों जो हैं वो इसके क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसकी इंडिकेशन क्या होती है यूज़ के लिए, ये जो डायबिटिक मेलाइटिस 2 के पेशेंट हैं उनके अंदर हम इसको एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट यूज़ करते हैं, ना सिर्फ डायबिटीज़ 2 बल्कि आपने याद रखना है डायबिटीज़ 1 में भी सम टाइम इंसुलिन के साथ मेटफॉर्मिन दी जाती है, ठीक है। और ज़्यादातर उन लोगों के अंदर जो कि ओबीज हो ना, उनमें भी हम इसको प्रेफर करते हैं। एडवांटेज इसका फ़ायदा ये है, क्योंकि इसने ग्लूकोज को ही ज़्यादा यूज़ कराया ना, इंसुलिन को तो सिक्रीट नहीं किया। जब इंसुलिन को सिक्रीट नहीं किया तो हम ये कहते हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं करती और ये वेट लॉस भी करती है, इसलिए ये ओबीज लोगों के अंदर हमें फ़ायदा देती है, ठीक है। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है इसका कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है, डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि ये GIT अपसेट कॉज करती है, मतलब आपके GIT सिस्टम से नोज़िया डायरिया पेन करती है, और एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जिसको हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस, आगे चल के पढ़ाऊंगी, DKA और हॉन्ग के साथ लैक्टिक एसिडोसिस कर सकती है, ठीक है। अब जहाँ पर आपने इसकी इंडिकेशंस देखी वहीं पर आपको इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी पता होनी चाहिए। वो पेशेंट जिनको क्या है, रीनल फेलियर है, ठीक है, उनको ये ड्रग यूज़ नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर क्लिनिशियन के जब आपका पेशेंट का क्रिएटिनिन 150 से ज़्यादा हो जाता है माइक्रोमोल पर लीटर, तो ड्यू टू रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस इसको क्या करते हैं, विदड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेटफॉर्मिन। सो मेटफॉर्मिन क्या करती है, मेटफॉर्मिन बहुत अच्छी ड्रग है, जो कि हमने कहा था तीन ड्रग सेंसिटिविटी बढ़ाती हैं, तो उनमें से एक ड्रग जो है वो क्या है, मेटफॉर्मिन है, ठीक है। सो मेटफॉर्मिन जो है वो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन को कम करती है, सेंसिटिविटी बढ़ा के यूज़ को बढ़ाती है, सिंथेसिस को कम करती है और सिक्रीशन को एब्जॉर्प्शन को कम करती है। 1 और 2 दोनों में, स्पेशली 2 वाला पेशेंट जो बीज होता है उसमें हम यूज़ करते हैं मोस्टली। और उसके बाद आपने बताना है कि इसका अच्छी बात यह है कि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती, क्योंकि इंसुलिन की सिक्रीशन तो नहीं बढ़ाती, वेट लॉस भी करती है, लेकिन ये GIT अपसेट कर सकती है।